आपने की एडुकॉन ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। कौन सी के एडुकॉन ऐप? जिसकी ब्लैक जो ब्लैक बैकग्राउंड है वो वाली ऐप आपने डाउनलोड करनी है। और हम आपको मैसेज भेजते रहेंगे, क्लास में भी मैं बताती रहूंगी कि आज इस पे असाइनमेंट भेजी है, आज इस पे हमने ये क्वेश्चंस भेजे हैं, ये कर लो। ठीक है, उसका क्या फायदा होगा बेटा? एक तो ऑनलाइन टेस्टिंग आपको पता चल जाएगी कैसे होती है। 10th के बाद आपने कुछ भी लेना है, 11th 12th में साइंसेज लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, कोई ना कोई आपने एंट्रेंस देना है। तो एंट्रेंसेस आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ही होने लग पड़े हैं, राइट? तो उससे आपको फायदा हो जाएगा, अभी से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इज इट ओके? ठीक है बच्चों, ठीक Yes. है। चलिए बेटा आंसर दिया करो, ठीक है? मुझे लगता है कि फिर मैं लाइव क्लास में जो है पढ़ा रही हूँ, नहीं तो ऐसे लगता है कि हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं या कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब कोई आंसर ही नहीं आ रहा। तो जब मैं कहूँ ठीक है, तो एकदम आंसर दिया करो, यस और नो। चलिए जी। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम जो हमने, चलिए एवरीबडी सिट स्ट्रेट, अपनी बुक्स, अगेन मैं कह रही हूँ, अपनी बुक्स बंद कर दो, बैग में रख लो, सिर्फ रजिस्टर हो, असाइनमेंट हो और पेन हो। बुक्स हमें नहीं चाहिए होती है, हमने ये बोर्ड अब आपका बुक है। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम जो है, अब हम ये असाइनमेंट के थ्रू आज डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको करवाऊंगी। आज अपनी असाइनमेंट पे पुट द डेट। टुडेज टॉपिक इज हेरिडिटी। एकदम सीधे, एकदम बिल्कुल ध्यान, अभी कुछ आपने सिर्फ डेट लिखनी है असाइनमेंट पे, बाकी आपने स्क्रीन पे बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन। कौन से सेंटर को, ब्रेन के कौन से सेंटर को एक्टिवेट करना है आपने? हिप्पोकैम्पस। वेरी गुड। ठीक है, तो इज इट एक्टिवेटेड? 10th बी एक्टिवेटेड? ओके, चलिए एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधे, अपने कानों को, दिमाग को और आईज को, इन तीन चीजों को कनेक्ट करना है हमने। और ये जो है बेटा, दिस कनेक्शन इज डन बाय मिड ब्रेन, नर्वस सिस्टम। आई थिंक आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन, आई थिंक, या तो है नहीं है या थोड़ा सा ही टॉपिक है आपके सिलेबस में, बट देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और नीचे नेक के पास होता है हिंड ब्रेन। थ्री टाइप के ब्रेन्स है। जो मिड ब्रेन है ना बेटा, इट कंट्रोल्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईज, ईयर्स एंड ब्रेन। तो हमने दो ब्रेन के दो पार्ट्स को एक्टिवेट करना है, एक तो हमने मिड ब्रेन को एक्टिवेट करना है और दूसरा हमने हिप्पोकैम्पस को एक्टिवेट करना है। इज इट ओके? तो मिड ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ आईज, ईयर्स एंड ब्रेन, राइट? सो व्हाट एवर यू सी, व्हाट एवर यू हियर, दैट इज कोऑर्डिनेटेड, और यू कैन से रेगुलेटेड बाय ब्रेन, इट इज इंटीग्रेटेड बाय ब्रेन। ब्रेन ने वो चीज समझनी है, ठीक है? तो इसलिए कंसंट्रेशन पूरी क्लास में, नहीं तो क्या होता है कि अच्छा मम्मी ने क्या बनाया आज, राजमा बनाया है, ध्यान आपका वहां गया, आंख और आंख और कान का जो कनेक्शन है और ब्रेन के साथ वो खत्म हो गया। ठीक है, हमने ये नहीं, हमने होमवर्क किया है कि नहीं किया, अगली क्लास क्या होगी, मैम पता नहीं कब छोड़ेगी, हमने इन सब चीजों को हटा देना, क्योंकि जब ये चीजें दिमाग में आ जाए, फिजिकली आप प्रेजेंट हो बट मेंटली कहीं और हो, तो हमारा मिड ब्रेन जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। तो हमने फॉर 1 आवर वी हैव टू कीप अवर मिड ब्रेन एक्टिवेटेड एंड हिप्पोकैम्पस एक्टिवेटेड, सो दैट व्हाट एवर आई से दैट गेट स्टोर्ड इन योर माइंड। ओके, चलिए
लास्ट टाइम वी हैड डन कि माय क्वेश्चन इज when during cell division changes in genetic material takes place. सो बट अब हमने एक तो क्वेश्चन ये है, बट अब हमने बात करनी है. आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल. तनप्रीत कौर क्लास 10th B. तनप्रीत कौर जल्दी से आ जाओ. व्हाट इज द केमिकल विच इज द जेनेटिक मटेरियल. क्या है? प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है कि कार्बोहाइड्रेट्स है? इट इज, जोर से माइक के पास बेटा, माइक के पास. हाँ, डीएनए. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. वेरी गुड, बैठो अपनी सीट पे. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. हाँ जी, 10th A नैना, जल्दी से क्विक बेटा. व्हाट हैपन्स टू डीएनए, दिस इज डीएनए. व्हाट हैपन्स टू डीएनए बिफोर सेल डिवीजन या ड्यूरिंग सेल डिवीजन? When it get patched into protein. वो तो ठीक है बेटा, वो तो जनरल है कि डीएनए फॉर्म प्रोटीन, इट हैज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. बट एक सेल ने, वन पेरेंट सेल, व्हेन इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, व्हाट हैपेंस टू दिस डीएनए? डीएनए गेट्स रेप्लिकेट. डीएनए गेट्स रेप्लिकेटेड. एंड नैना, व्हाट इज रेप्लिकेशन बेटा? When variations ना occur. ना ना, रेप्लिकेशन इज नॉट वेरिएशन. और थोड़ा सा सोच के बताओ. कॉपिंग. यस, कॉपिंग का क्या मतलब है? कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वन फोटोकॉपी, यस और नो? यस. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, और यू कैन से डबलिंग ऑफ द डीएनए. इज इट राइट? यस. ठीक है नैना, वेरी गुड. बैठो बेटा. व्हाट हैपन्स टू डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन या बिफोर सेल डिवीजन? सो द ऑप्शन इज रेप्लीकेशन, और एक ऑप्शन आपके पास आ जाती है डबलिंग ऑफ डीएनए, और सी ऑप्शन आ जाती है दैट इज कॉपिंग ऑफ डीएनए. और डी ऑप्शन आ जाती है बेटा आपको, ऑल द अबव. तो 10th B, एवरीबडी क्या आंसर आएगा बेटा? व्हाट इज, जोर से, इज इट कॉपिंग ऑफ डीएनए की कुछ और? टेंथ बी में से बेटा ईशा, ईशा जल्दी से आगे बताओ कि भी क्या कहा है. भागो फटाफट से, क्विक माइक के पास. All of the above. ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड ईशा. सो इट इज ऑल द अबव बिकॉज ऑल दीज थ्री, दीज आर वन एंड द सेम थिंग. वेरी गुड, सिट डाउन बेटा. ठीक है जी. सो नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सोर्स ऑफ वेरिएशंस इज, आपने इसमें से मुझे इवेंट्स बताने हैं कब कब है. फर्स्ट आ जाता है गैमेट फॉर्मेशन बाय मियोसिस. मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन.
बी आ जाता है फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सी आ जाता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? एम्ब्रियो जो है यूट्रस की वॉल में एम्बेड हो जाता है। एंड फोर्थ है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ए ऑप्शन इज 1 एंड 2, बी ऑप्शन इज ऑल द अबव मतलब 1 2 3 4, सी ऑप्शन इज 3rd एंड 4th एंड डी ऑप्शन इज 1 2 एंड 3। यस, 10th ए दक्ष। दक्ष है बेटा 10th ए। आ जाओ बेटा माइक के पास आ जाओ बेटा फटाफट से। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चार इवेंट्स है, इनमें से कहां कहां पे वेरिएशंस हो सकती है, किन मेथड से? फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड दक्ष। आंसर इज फर्स्ट एंड सेकंड। बैठो बेटा बैठो, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन में क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रही है। सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या है? डीएनए कॉपिंग है एंड वेरिएशंस अकर ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, चेंजेस अकर। और दूसरा, मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हो ही रहे हैं। जब दो चीजें रेड एंड व्हाइट मिक्स होगा तो पिंक कलर बनेगा, डिफरेंट बनेगा। इसी तरह से मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे तो वेरिएशंस आएंगी बच्चों। इज इट ओके? समझ आ गई ये सबको? एनी डाउट? नो। चलिए जी, अब आपकी असाइनमेंट है बेटा, सो ट्राई टू डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप 11 तक क्वेश्चंस कर सकते हैं, जल्दी से फटाफट। यू विल हैव 10 मिनट्स, 11 तक क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल एकदम शांत। आंसर्स मैंने बता देने हैं, हमें कोई मुश्किल ही नहीं है। बातें बिल्कुल नहीं बेटा, बातें नहीं। देखो कितनी चीजें इसमें से देख के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चे।
मैम यहाँ पे हरमिंदर मैम है अभी? नो मैम। अच्छा बबीता मैम इज देयर? यस बबीता मैम एक काम मेरा थोड़ा सा करना कि एक ना हरमिंदर मैम को मैसेज ये देना है कि इनको अगली बार से हमने फिजिक्स शुरू करवानी है, राइट? है ओके ना, तो फिजिक्स में लाइट शुरू करवाना है, तो लाइट के जो रे डायग्राम्स है वो इनको बच्चों को एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करा दें, ठीक मैम। है? तो आगे जो उनके मतलब न्यूमेरिकल पार्ट है वो हमारी मैम करा दें, ओके ठीक है? तो मैम। दोनों सेक्शंस में जो बबीता मैम एंड जसविंदर मैम आई थिंक, है ना, ठीक है? तो दोनों जो है ये मैम को, हरमिंदर मैम को कह देना, आई थिंक हरमिंदर मैम टेक देयर फिजिक्स, राइट? है ना, तो रे डायग्राम्स लाइट के वो अच्छी तरह से करा देने, न्यूमेरिकल पार्ट मैम करवा देंगे अगली बार, ठीक है जी? थैंक यू। बातें नहीं बेटा, बातें तो बिल्कुल भी नहीं। टेंथ बी में जो बेटा नए स्टूडेंट्स आए हैं अभी अभी, तो वो असाइनमेंट के पहले 11 क्वेश्चंस, ट्राई दीज क्वेश्चंस क्विकली। टेंथ है, बातें नहीं बेटा। जिस जिसके हो रहे हैं जरा रेज योर हैंड्स, किसके हो गए 11 क्वेश्चंस? वेरी गुड वेरी गुड। 10th ए में से कईयों के हो गए? 10th बी, जल्दी से बताओ। टेंथ क्लास, मैं दोबारा से एक बार आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि बेटा ट्यूसडे को लाइव प्रोसेसेस का आपका एक टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बट इट विल हैव रीजन असर्शन क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू, राइट? आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट मिल गई है सबको? चलो वो करके आपने बबीता मैम से डिस्कस करना है, ठीक है? सो ऑन ट्यूजडे 29th यू विल हैव टेस्ट, हाफ आवर टेस्ट होगा, आधे घंटे का टेस्ट होगा बायोलॉजी का, लाइव प्रोसेसेस का, और आधे घंटे का टेस्ट होगा मैथ्स का, जो आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स किया है। चलिए 2-3 मिनट्स आर लेफ्ट, फिर हम शुरू करते हैं।
थे, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, मैम आ रही हैं अभी आपकी, बट बातें बिल्कुल नहीं। चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम। दिलप्रीत 10th ए, आगे आ जाओ जल्दी से। हाँ जी दिलप्रीत, क्वेश्चन नंबर 1। डी ऑप्शन, accumulation of many DNA copies in the same cell. बिल्कुल ठीक है बेटा। ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर, एक्यूमुलेशन, क्योंकि अगर दो कॉपीज बनती है, राइट ये सेल है, लेट अस से मैं अभी न्यूक्लियस नहीं बना रही, वैसे चलो न्यूक्लियस ही सही, इसकी अगर डीएनए की दो कॉपीज बनती है, देन व्हाट विल हैपन, दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट क्या होता है, देयर इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड देन देयर अकर्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। तो कॉपीज इकट्ठी नहीं होती है, वो अलग अलग सेल्स में बंट जाती है। बैठो बेटा, वेरी गुड। देन नेक्स्ट इज दिव्यांशी राणा 10th बी, क्वेश्चन नंबर 2। बी ऑप्शन, पॉपुलेशन बी हैज मोर वेरिएशन। यस, पॉपुलेशन बी हैज मोर वेरिएशन, क्योंकि एक जो पॉपुलेशन ए है उसमें सभी जो प्लांट्स है या ऑर्गेनिजम्स है वो एक तरह के है, सेम है। एक कोई पेस्ट आया, कोई इंसेक्ट आया, उसने, क्योंकि वो जेनेटिकली सेम है, कोई वेरिएशन नहीं है, सबको बर्बाद कर दिया। पॉपुलेशन बी है उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स वन टाइप के है, कुछ ऑर्गेनिजम्स टू टाइप के है, थ्री टाइप के, फोर टाइप के, फाइव टाइप के। जो पेस्ट आया उसने सिर्फ जो थर्ड टाइप के ऑर्गेनिजम्स है उनको डिस्ट्रॉय किया, बाकी बच गए। सो पॉपुलेशन बी हैज मोर वेरिएशंस, दिस इज व्हाई वेरिएशंस आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, मनराज सिंह 10th ए, जल्दी से भाग कर। ऑप्शन सी, पॉपुलेशन विद मेनी वेरिएशंस। वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बेटा। जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस होंगी, कोई बीमारी आ जाए, कुछ आ जाए, तो पॉपुलेशन का कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय होगा, बाकी बच जाएगा। जिसमें पॉपुलेशन एक ही तरह से है और वो वायरस उसी पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय करता है, तो पूरी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, मानव 10th बी, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, वेरी गुड। एवोल्यूशन होता है चेंजेस विद टाइम, वेरिएशंस होंगी, लेट अस से वेरिएशंस होगी। जैसे अब कोविड आया तो जो पॉपुलेशन बच गई उसमें कुछ चेंजेस आए, इंटरनली कुछ चेंजेस आए, क्योंकि तभी हम बच पाए हैं। तो ये क्या है, कुछ चेंजेस हुए जिससे आगे आगे चेंजेस। सो व्हाट इज एवोल्यूशन, चेंजेस विद टाइम, वेरिएशंस हेल्प्स इन एवोल्यूशन। वेरी गुड। सो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट, कि दे आर असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज एंड दे आर असेंशियल फॉर एवोल्यूशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, करणप्रीत 10th ए, मैम द आंसर डी, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ द अबव, दैट इज एरर्स ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, ये आपको पता है। इंटरब्रीडिंग मींस की फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन एंड द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। यू नो गर्मियों में अगर हम अफ्रीका में चले जाएं तो हमारा कलर, ऑब्वियसली एनवायरमेंट हाई टेम्परेचर के कारण हमारा कलर थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, और यहीं हम यूरोप में चले जाएं तो लेस मेलेनिन प्रोडक्शन होगी, हमारा कलर नॉर्मल से थोड़ा सा जो अब है उससे थोड़ा सा फेयर हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। दिस इज इफेक्ट। अनदर इज न्यूट्रिशन, है ना, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन्स ले रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपके मसल्स की ज्यादा डेवलपमेंट होगी। ये इनबॉर्न नहीं है, ये एनवायरमेंटल इफेक्ट है। सो आंसर इज All the above. बैठो बेटा, वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 6, नवलीन कौर 10th बी, जल्दी से। सी डीएनए,
बेटा द फिजिकल बेसिस, यहाँ पे है फिजिकल बेसिस का क्या मतलब है बेटा? इनहेरिटेंस मीन्स जो पेरेंट्स से बच्चों में, केमिकल बेसिस की नहीं हम बात कर रही है, पेरेंट्स से बच्चों में क्या जा रहा है? न्यूक्लियस जा रहा है, इज इट राइट? ठीक है नवलीन, तो फिजिकल बेसिस जो दिख रहा है, क्या दिखता है? न्यूक्लियस, डीएनए नहीं हमें नजर आता, न्यूक्लियस नजर आता है। तो फिजिकल बेसिस क्या हुआ नवलीन? न्यूक्लियस हुआ, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा, रितिका 10th है। द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंसेस, जोर से बोलना है। हाँ, ऑप्शन बी। इट इज ऑप्शन बी, डीएनए, बिल्कुल ठीक है। बेटा डीएनए की फुल फॉर्म बता दे बच्चे, उसको बोलने दो, नोबडी एल्स शी विल टेल। यस, डीऑक्सीडाइज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोलो जरा दोबारा से बोलो बेटा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तनप्रीत कौर 10th बी। एसिड। ए ऑप्शन प्रोटीन। डीएनए कंट्रोल्स वेरियस करेक्टर्स थ्रू प्रोटीन्स, बिकॉज डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीएनए इज प्रेजेंट, ध्यान से अब देखना है कि डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म। बोलो बेटा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। आपने 9th एक्चुअली कोविड में हो गई तो इतना पता नहीं, बट द प्रोटीन मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी इज राइबोसोम। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, हां जी बेटा, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। बैठो बेटा बैठो, सो दिस इज राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, राइट? प्रोटीन की मशीनरी यहां पे है, सॉरी, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर है और मशीनरी न्यूक्लियस के बाहर है। डीएनए बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डीएनए साइटोप्लाज्म में आया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंजाइम्स की वजह से। तो इसलिए डीएनए क्या करता है, डीएनए जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन एक कोरियर कंपनी को देता है। कोरियर कंपनी क्या है बेटा? वो कहता है मैं नहीं जा सकता, तू मेरी इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स के पास लेके जा। सो दिस कोरियर कंपनी, इट इज आरएनए। ये आरएनए को अपनी इंफॉर्मेशन देता है। दिस आरएनए कम्स आउट ऑफ द, आरएनए कैन फंक्शन इन द साइटोप्लाज्म। सो आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इनसाइड, हाँ जी, कहाँ बनता है ये? 10th ए, न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस में बनता है, और फंक्शन कहाँ पे है इसका? साइटोप्लाज्म में फंक्शन है। तो ये किसके साथ कंबाइन किया? ये कंबाइन कर गया राइबोसोम्स के साथ, बहुत सारे राइबोसोम्स के साथ कंबाइन किया। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, तो इसने इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स को दी और ये क्या बन गया? प्रोटीन बन गया, ठीक है। तो विधि, विधि बेटा 10th है, कम फॉरवर्ड। हाँ जी बेटा, अब मुझे दोबारा से जो मैंने समझाया है वही आपने मुझे बताना है, माइक के पास बेटा। विधि, तो जो प्रोटीन्स की मशीन, जो प्रोटीन्स की इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है? तो जो डीएनए है वो न्यूक्लियस की इनसाइड है, एंड जो साइटोप्लाज्म है वो एक साइटोप्लाज्म। मिनट एक मिनट एक मिनट, विधि, प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किस केमिकल के पास है? सिर्फ इसका आंसर दो। प्रोटीन डीएनए की बात। डीएनए के पास, बिल्कुल ठीक है। द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए।
विच इज प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी? मैं प्रोटीन्स प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्रीज कौन है? न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। ना ना ना, राइबोसोम्स। प्रोटीन फैक्ट्रीज अपने पास, बाकी सबके लिख लेना, आप भी लिख लेना, विच आर प्रोटीन फैक्ट्रीज? प्रोटीन फैक्ट्रीज आर राइबोसोम्स। हाँ जी विधि, राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियस में? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैन डीएनए कम इन द साइटोप्लाज्म एंड गिव इंफॉर्मेशन टू राइबोसोम? No, they formed inside the nucleus. Yes, because DNA cannot come outside the nucleus. It remains in the nucleus, right? अब बैठो विधि। Next आ जाता है बेटा मोहित। मोहित जल्दी से 10th B या 10th A में आया, चलो मोहित आप बता दो 10th A में। चलिए जी, तो अब DNA बाहर नहीं आ सकता, राइबोसोम्स अंदर नहीं जा सकते, तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन किसको देगा, किस कोरियर कंपनी को देगा? नहीं नहीं किस कोरियर कंपनी को देगा, ये है कोरियर, क्या है ये? आरएनए। आरएनए, ये कोरियर कंपनी है बेटा आरएनए। अब मुझे बताओ कि आरएनए मोहित कहां बनता है, न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म। ध्यान से देखो आरएनए कहां पे बन रहा है ना, क्योंकि डीएनए ने अपने अपने शहर में ही तो वो अपनी कोरियर कंपनी को देगा ना, हमने इंफॉर्मेशन दिल्ली पहुंचानी है तो हम दिल्ली जाके थोड़ी देंगे इंफॉर्मेशन, हम तो अपने चंडीगढ़ में या आप अपने सिटी में, वहीं तो किसी कोरियर कंपनी को देंगे अपना पार्सल। यस और नो, ठीक बोल रही हूँ मोहित? तो डीएनए कहां पे है, न्यूक्लियस में है, वो बाहर नहीं जा सकता, इसलिए उसने अपनी इंफॉर्मेशन दी आरएनए को, तो आरएनए कहां पे बनता है, आरएनए बनता है न्यूक्लियस में। और फंक्शन, अपनी इंफॉर्मेशन कहां पर लेके जाता है आरएनए, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, न्यूक्लियस की साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्रीज है ही साइटोप्लाज्म में। वेरी गुड मोहित, बैठो बेटा, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? 10th A क्लियर? यस। 10th B क्लियर? यस। चलिए ठीक है, तो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन डीएनए इन न्यूक्लियस, बट फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, एंड इट इज द आरएनए व्हिच कनेक्ट्स डीएनए विद राइबोसोम्स। इज इट क्लियर? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9th, एंड स्टूडेंट इज हर्ष, जल्दी से आ जाओ हर्ष। What is a gene? C option. C option, small, small segment of DNA. DNA बहुत बड़ा molecule होता है बेटा, मैं तो यहाँ पे बना ही नहीं सकती जितना बड़ा ये होता है, it's small segments. These are called as gene. And one gene has information of one polypeptide. होता ये है, बट आपके लेवल पे हम कह सकते हैं वन जीन हैज द इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है, बैठो बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10th, जसप्रीत कौर, 10th A, आजा बेटा जल्दी से बोलना, किसी ने नहीं उसको आंसर देने दो, जो भी देगी। मैम ऑप्शन सी। It is composed of DNA only? B option. Option B. It is composed of DNA and protein? No. हाँ. Composed of DNA only. DNA only. बेटा DNA बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है, आप ये देखो ये इतना बड़ा, सारा बोर्ड घेर लोगे ना तो इतना बड़ा प्रोटीन है, सेल छोटा सा है,
तो जब आपने आपने ब्रीफकेस लिया, छोटा सा ब्रीफकेस लिया, और आपके पास बहुत बड़ा कोई बेडशीट है, तो आप उसको फैला के रखोगे कि उसको फोल्ड करके रखोगे? मुझे इसका आंसर दो, ये छोड़ दो। आप उसको खुला करके, आपके पास छोटा सा ब्रीफकेस है, अटैची छोटी है, और आपके पास बहुत बड़ी बेडशीट है, उसको खोल के रखोगे कि उसको फोल्ड करके, छोटा सा करके रखोगे? फोल्ड करके। फोल्ड करके रखोगे। सेल छोटा सा है और डीएनए बहुत बड़ा है, तो वो छोटे से सेल में कैसे एडजस्ट होगा बेटा, फोल्ड होके कि लंबा होके? फोल्ड फोल्ड होके। और फोल्डिंग में कौन हेल्प करेगा? प्रोटीन। प्रोटीन। और जब वो फोल्ड हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इज इट डीएनए की क्रोमोसोम? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो अब बताओ क्रोमोसोम किसका बना होगा? डीएनए एंड प्रोटीन। एंड प्रोटीन। वेरी गुड। इज इट क्लियर? भूलोगे तो नहीं? ठीक है ठीक है। तो लंबा जो है दैट इज डीएनए, उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर प्रोटीन के साथ एसोसिएट हुआ तो उसको हम कह देंगे क्रोमोसोम, क्योंकि उसने फोल्ड कर दिया। ये डीएनए है और ये क्रोमोसोम है, राइट? सो आंसर इज बी, इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, राइट? सो नेक्स्ट, हरमनजोत, 10th A है, नहीं एब्सेंट है। हरमनजोत के बाद कौन आ जाता है? हरनीत कौर। आ जा बेटा, 11th क्वेश्चन। ऑप्शन ऑप्शन सी है, जीन्स एक्सप्रेस बाय कंट्रोल विच कंट्रोल वेरियस ट्रेट्स बिकॉज ऑल द स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। नहीं बेटा, जो स्ट्रक्चर्स है ना बेटा, मेरी बात सुनो, वो प्रोटीन्स है, उनमें साथ में शुगर्स भी हो सकती है, लिपिड्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं। सिर्फ प्रोटीन से स्ट्रक्चर नहीं बनते, बाकियों से भी बनते हैं। तो अच्छा, अब मेरी बात ये सुनो, मेरी बात बताओ कि डाइजेशन है, डाइजेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? फूड कैसे टूटता है? हमारी जो हमारा मुंह में स्टार्च है वो किसकी हेल्प से टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है? किसी से मत, एंजाइम से, हार्मोन से, शुगर से, फैट से, किससे हो रहा है? टाइम एंजाइम से हो रहा है। एंजाइम्स किसके बने हुए हैं? चलो अच्छा, डाइजेशन आपने कहा एंजाइम्स के कारण है, ठीक है? उसके बाद सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है ना? रेस्पिरेशन, डू यू रिमेम्बर कि ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बनता है, या कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। डू यू रिमेम्बर दैट, यस और नो? ठीक है, ये सब रिएक्शंस भी कौन कंट्रोल कर रहे हैं? एंजाइम्स कर रहे हैं। इज इट ओके? तो हर रिएक्शन सेल में कौन कंट्रोल कर रहा है? एंजाइम कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब रिएक्शंस किसके कंट्रोल में है बेटा? डाइजेशन एंजाइम्स के। और सभी एंजाइम्स किसके बने हैं? प्रोटीन्स के बने हैं। और उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किसके पास है बच्चे? डीएनए। डीएनए के पास है। इसका मतलब डीएनए सभी फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है थ्रू प्रोटीन्स, एंड सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स विच कंट्रोल वेरियस रिएक्शन, यस और नो? तो अब आंसर बताओ। नहीं बेटा, ऑल ऑफ द अबव नहीं, इट इज, आंसर इज बी। देखो पढ़ो दोबारा से, प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम्स दैट कंट्रोल वेरियस रिएक्शंस। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो सभी ट्रेट्स, प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है, प्रोटीन्स कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट कि सारी रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करते हैं? थ्रू एंजाइम्स। इज इट ओके? ओके टू एवरीबडी? ठीक है, चलिए मैं फटाफट से कुछ टर्म्स आपको समझाती हूँ, बाकी की आप, जैसे आपने ये कर लिया है, बाकी के क्वेश्चंस भी आप कर लेंगे।
ये हमारा सेल है, ह्यूमन सेल है. यू नो इट हैज हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यस और नो? पेयर्स का क्या मतलब है? पेयर मीन्स वो एग्जैक्टली सिमिलर है, यस और नो? इस तरह से 23 पेयर्स है. क्या आप कह सकते हो क्या आप इसको कह सकते हो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स? नो. सो दिस इज पेयर जो एग्जैक्टली सिमिलर हो साइज शेप में. सो दिस इज पेयर ऑफ, हम क्या बोलते हैं, दिस इज, ये पेयर्स है, 3 पेयर्स ऑफ, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. पेयर्स कहां से आए बेटा? यहां पे देखो, ये गैमीट्स थे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम. कैन यू सी दिस? गैमीट्स में आधे क्रोमोसोम्स होते हैं. इसको हम कहते हैं एन इज इक्वल टू, लेट अस से मैं 23 बना तो नहीं पाऊंगी, बट चलो, और ये भी एन इज इक्वल टू 23. और जब ये दोनों फ्यूज हुए तो ये बना 2N इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स. ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं. तो पेयर में एक क्रोमोसोम मेल गैमीट में से आया और दूसरा क्रोमोसोम कहां से आया? जी फीमेल गैमीट में से. सो दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन साइज शेप नंबर ऑफ जीन्स टाइप ऑफ जीन्स. इज इट क्लियर? अगर फर्स्ट पेयर है ये वाला, लेट अस से, एक मिनट, अगर ये वाला क्रोमोसोम है तो इसका साइज शेप सेम है. इसमें अगर इतनी भी जीन्स है, इतनी पड़ी है, तो इसमें भी इतनी ही जीन्स होंगी, सेम पोजीशन होगी जीन्स की. इज इट राइट? होमोलोगस पता है, बट क्या डिफर हो सकता है? अ जीन मे हैव टू फॉर्म्स. मैंने बताया था आपको, जैसे हमारा ब्राउन शूज है, उसका राइट शू लेफ्ट शू, तो हो सकता है एक जीन की, जीन इज टी, जीन टी फॉर हाइट, बट इट मे हैव टू और मोर फॉर्म्स. जनरली टू है, बट दो से ज्यादा भी हो सकती है. पॉपुलेशन में, एक ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम दो ही हो सकती है. सो लेट अस से हम बात करते हैं टू की, इससे ज्यादा हम बात ही नहीं करते. तो दो फॉर्म्स क्या है? ये दो फॉर्म्स है. दिस इज स्मॉल टी, मुझ में, लेट अस से इफ आई हैव, लेट अस से दोनों फॉर्म्स जो है जीन की, जीन इज टी, बट दोनों फॉर्म्स सेम है, तो हो सकता है किसी दूसरे में
है तो सही दोनों फॉर्म सेम, बट ये वाली है, और किसी तीसरे में, आई एम सॉरी, कोई थर्ड ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक ये है और एक ये है, बट इन दो को हम क्या कहेंगे? दीज टू आर कॉल्ड एज एलील्स, फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। जीन टी है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, ब्राउन शू है बट उसके दो फॉर्म्स है, राइट शू लेफ्ट शू, तो दो उसकी एलील्स हो गई। ब्राउन शू इज ए जीन बट उसके दो फॉर्म्स एलील्स हो गई, राइट शू एंड लेफ्ट शू। इसलिए एक ये वाली फॉर्म, एक ये वाली फॉर्म, दोनों क्या हुई? एलील्स। इज इट ओके? इफ इन एन ऑर्गेनिज्म द टू एलील्स आर सेम, एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों कैपिटल टी है, इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे बेटा होमो। दिस इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। होमो मतलब सेम। इफ द टू एलील्स आर सेम, इट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। इफ द टू एलील्स आर डिफरेंट, इट इज कॉल्ड एज हेटरोजाइगस। क्या बोलते हैं सारे? बोलो। हेटरोजाइगस। अब आपके पास ये तो मैंने बता दिया होमोजाइगस, आपने ये बताना है और ये बताना है क्या है, और मेरे पास आ रही है दैट इज रनीत कौर गिल, 10th A एब्सेंट है, अमनदीप सिंह, 10th A, जल्दी से भाग के बेटा ये बताइए ये क्या है, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस? होमोजाइगस। होमोजाइगस, वेरी गुड, बैठो बेटा। दिस इज, आपने पूरा लिख लेना, दिस इज होमोजाइगस, क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या है, ये है, तो ये नेक्स्ट आ जाता है बेटा। अनीशा भाग करो, भाग के, वेरी गुड, ये वाली कंडीशन क्या है? हेटरोजाइगस। दिस इज हेट्रोजाइगस, वेरी गुड, बैठो बेटा। अब 10th A, सबने बताना है मुझे ये क्या है बेटा, होमोजाइगस, ये क्या है? 10th B, 10th B होमोजाइगस है बेटा। 10th A ये क्या है? इज इट हेट्रो की होमो? पता नहीं चल रहा अभी, अभिनव ठाकुर हेटरोजाइगस। बेटे देखो यहाँ पे दो जीन्स है, ए जीन है और बी जीन है, दोनों जीन्स होमोजाइगस है कि हेटरोजाइगस है? होमोजाइगस होमोजाइगस। है बेटा, है ना, अलग-अलग जीन्स है बट दोनों की, ए जीन भी होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, तो दिस इज होमोजाइगस। बैठो बेटा, बैठो अभिनव। अमनप्रीत चोपड़ा, हां जी, 10th B भागकर। ये दो जीन्स की हम बात कर रहे हैं, दोनों क्या है? हेट्रो हेटरोजाइगस। की होमो? हेट्रोजाइगस, बिल्कुल ठीक है। Tenth A, अमृतदीप भाकर, हां जी, हेटरोजाइगस।
दोनों हेट्रोजाइगस है कि एक हेट्रोजाइगस है कि क्या है? हम एक कौन सी हेट्रोजाइगस है? अब ए एंड एक ये वाला हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस, होमोजाइगस तो हम क्या लिखेंगे? इट इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन ए एंड होमोजाइगस फॉर जीन बी. इज इट क्लियर एवरीबडी? ठीक है, बैठो बेटा, बैठो बैठो, वेरी गुड. अब टर्म आ जाते हैं बेटा, जब एक 2n हमने कहा है, 2n इज इक्वल टू 23 पेयर्स. ये हमारे सेल्स में प्रेजेंट है. जब इसने गैमीट फॉर्मेशन, कौन सी प्रोसेस से गैमीट बनेंगे बेटा? मियोसिस से. रिडक्शनल डिवीजन हम इसको कहते हैं. तो अब जो गैमीट बनेंगे उसमें क्या होगा बेटा? उसमें क्रोमोसोम, ये पेयर्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. अब हर गैमीट में एन इज इक्वल टू 23. ऐसे नहीं कि कोई से 23 इधर चल जाए कोई से, नहीं, पेयर्स सेपरेट होंगे. एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर. डू यू गेट मी? ठीक है. अब मुझे ये बताइए कि ए ए बी बी, इसका जो गैमीट बनेगा वो क्या होगा? हाँ जी, कौन बता रहा है बेटा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं. हर्ष आ जाइए बेटा, 10th बी. हर्ष, हाँ जी बेटा, इट इज क्या आ जाएगा? ए बी. वेरी गुड, है ना? क्योंकि अगर हम कहते हैं ये, लेट अस से यहां पे ए ए पड़ा है और यहां पे बी बी पड़ा है, तो हर जगह क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा. वेरी गुड. ठीक है जी, बैठो बेटा, बैठो बैठो. तो पता चल गया आपको कि किसकी? ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन देयर अकर सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स. देयर अकर्स बेटा इधर, 10th बी इधर सामने, देयर अगर सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स सो दैट ईच गैमीट हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन. सो व्हाट इज सेग्रीगेशन? किसी को नहीं पता तो लिख लेना. सेग्रीगेशन इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. दिस इज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन. ठीक है, मेंडल की सेकेंड लॉ क्या थी? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और एक है थर्ड, उसने कहा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. असॉर्टिंग, असॉर्टिंग होता है सेलेक्ट करना, असॉर्ट करना, है ना? जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स थे, फिर लोगों ने क्या किया? भी धोनी मेरी टीम में आ जाएगा, कोहली इस टीम में चला जाएगा, तेंदुलकर इस टीम में जाए, एंड दिस दिस इज असॉर्शन. असॉर्शन मतलब सेपरेशन. ठीक है, सिलेक्शन यू कैन से. तो अब
एक ये है, इसका होमोलोगस पेयर ये है। एक ये है और इसका होमोलोगस पेयर ये है। अब जब गैमेट्स बनने हैं तो क्या हो सकता है? इन दोनों की सेपरेशन होनी है, इन दोनों की सेपरेशन होनी है। हो सकता है कि ये इधर जाए, आई एम सॉरी, ये इधर जाए, और अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर चला जाएगा। एंड इट इज पॉसिबल दैट दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो हियर। तो दो गैमेट्स ये बन गए। बट ऐसा भी हो सकता है, मैं चलो थोड़ा सा आपको बस ऐसे ही कलर्स नहीं मैं दिखा रही, ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए इसके साथ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये इधर चला जाए बट इसके साथ ये इधर जाए और ये इधर चला जाए, उल्टा हो गया ना। तो अब यहां पे क्या हुआ कि दो गैमेट्स कौन से बने? ये इधर और ग्रीन वाला इधर गया, पर्पल इधर चला गया, इसके साथ पर्पल चला गया, और येलो जो है वो इधर चला गया। दिस इज इंडिपेंडेंट। इन दोनों की सेपरेशन से डिपेंड नहीं कर सकती है। हो सकता है इसके साथ ये चला जाए या इसके साथ ये चला जाए। डू यू गेट मी? यस ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर आप ये देखें, ए स्मॉल ए, दिस इज बी और ये स्मॉल बी। यहां पे क्या आया? ए ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल बी कैपिटल बी। तो हो सकता है कौन कौन से गैमेट्स बने? हो सकता है ये बने और साथ में ये बने, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बने या ये बने। सो दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वन पेयर की सेपरेशन दूसरे पेयर के सेपरेशन से इंडिपेंडेंट है। इन दोनों की सेपरेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है। इज इट ओके? Yes. क्लियर है? सेग्रीगेशन है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने सेपरेट होना है, दिस इज सेग्रीगेशन। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि दो पेयर्स की सेपरेशन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है जी, तो दीज आर द टर्म्स। अब जल्दी से फटाफट, ऑल्दो हमारा टाइम हो गया बट हम फिर भी 5-10 मिनट्स लगा के ये कंप्लीट करेंगे। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 अप टू क्वेश्चन नंबर 30, जल्दी से करो फटाफट से। आई थिंक इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। जल्दी से कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए बेटा, अब मुझे ये बताइए, ये क्या है? होमोजाइगस की हेटरोजाइगस? जोर से
और ये नीचे वाला बेटा जोर से, बिल्कुल ठीक है। और ये हेट्रोजाइगस। और बेटा इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपियरेंस, PHENO। हाँ जी, 10th B, ये क्या है, टॉल है कि ड्वार्फ है? टॉल है। ये क्या है, ड्वार्फ है। और 10th A, ये क्या है, टॉल। तो इसमें से कौन सी एलील जो है वो होमो और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस कर रही है, कैपिटल टी कि स्मॉल टी? कैपिटल टी। तो ये क्या होगी, डोमिनेंट की रिसेसिव? डोमिनेंट, बिल्कुल ठीक है। करो जल्दी से फिर। और बेटा ध्यान से ये देखना है कि ये 1, 2, 3 एंड 4, 1 एंड 2, उसके बाद 3 एंड 4, ये दोनों होमोलोगस पेयर्स है, होमो होमो मतलब सेम, बट 1 एंड 3 या 1 एंड 4, 2 एंड 3, 2 एंड 4, ये पेयर्स कैसे है या ये क्रोमोसोम्स कैसे है? ये है हेट्रोलोगस, राइट? होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। जल्दी से कर लो। बातें नहीं, बातें नहीं बेटा, टेंथ ए मैम जरा देखना, बबीता मैम 10th B ना रुक गई है, जरा क्लास चेक करना जरा आप बेटा, 10th A, बाकी के स्टूडेंट्स करो, मैम को देखने दो। बातें नहीं बिल्कुल। हाँ जी मैम, वर्किंग फ्रॉम आवर साइड मैम। ओके ओके, नहीं अब ठीक है, थैंक यू मैम। अब ठीक है, 10th B इज ओके नाउ। हाँ जी, 10th B बेटा, जल्दी से आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ, आंसर क्या है? ऑप्शन ए डोमिनेंट जीन, 10th A। क्वेश्चन नंबर 13, जोर से बोलना है, अमनजोत सिंह, 10th A, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, 10th B, सुखमन कौर, यहीं से ही बोल दो बेटा, चाहे यहीं से ही बोलो, जोर से बोलना। हाँ, सी के डी, डी डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट ऑन हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स, बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 किया किसी ने कि नहीं, किसने किया है 10th A में से?
टेंथ बी में से किसी ने किया है क्वेश्चन नंबर 14 15? क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हेन पेरेंट्स P1 एंड P2 वर क्रॉस्ड, F2 प्रोजेनी, F1 क्या था? लेट अस से यहाँ पे ऑप्शन, चलो हम देखते हैं, हम देखते हैं बेटा, ये बना और 3/4 सिमिलर टू फीचर्स ऑफ P2. 3/4 क्या होता है? 3:1 रेशियो आती है, 3 tall 1 dwarf. तो इसने कहा है कि जो ये 3/4 है, 4 में से 3, इट इज सिमिलर टू फिनोटाइप, इसका सिमिलर किसके है जैसा है? P2 के कारण. P2 है टॉल, इसका मतलब दिस इज P2, इसका मतलब ये P1 है. एंड 1/4 पोजेस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, मतलब कोई सी, कंट्रास्टिंग मीन्स टॉल एंड ड्वार्फ में से कोई सी एक है. इफ द ट्रेट्स वर बीइंग कंसिडर्ड हेयर आर फॉर हाइट विद टी एंड डी, व्हाट विल बी द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ P1? P1 है TT एंड P2 क्या, एंड 1/4 ऑफ F2, दिस इज 1/4, और ये क्या है? ड्वार्फ. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो समझने वाली है. सो ऑप्शन डेल्टा कि P1 क्या है, दैट इज TT, 1/4 ऑफ F2 की क्या है, इट इज TT. ओके, हाँ जी, 10th ए रितिका, रितिका जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16. मैम ऑप्शन बी, ऑप्शन डेल्टा, बोथ ए एंड सी है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ठीक है. इट्स रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, ऐसा नहीं, रिप्रोडक्शन तो उसने अपने हिसाब से करवाई, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट कि उसने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि वो इजीली ग्रो कर सकता था और उसकी दोनों सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग हम कर सकते थे. ठीक है, बैठो बेटा. क्वेश्चन नंबर 17th, हाँ जी, किसने? मोहन कृष्ण, बीटा की डेल्टा, बॉम्बे की दिल्ली, ये तो सबने बोल दिया तो आपने कर लिया. डेल्टा ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ दीज. बैठो बेटा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन, वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, F1 जनरेशन का मतलब है वायलेट फ्लावर्स, और उसके बाद 3:1 रेशियो आ रही है वायलेट एंड व्हाइट की. सो इट शोज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बिल्कुल ठीक है, एक ही जीन की हम बात कर रहे हैं कलर की, तो मोनोहाइब्रिड है. द रेशियो इज 3:1, ये आप देख रहे हैं, वायलेट एंड वायलेट कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, ये भी ठीक है, तभी 3 डोमिनेंट है, वायलेट है और 1 व्हाइट है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. एनी डाउट किसी को? 10th ए में कोई डाउट? ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है बेटा, हरनूर कौर, 10th ए, क्वेश्चन नंबर 18th. हरनूर इज देयर? नहीं है हरनूर. यशमीन कौर, जल्दी से, क्वेश्चन क्या है? पेरेंट है इसकी 15 सेंटीमीटर हाइट है और इसकी है 5 सेंटीमीटर. इसके बाद F1 में क्या बना? T. ठीक है, तो बस ये बता दो इसकी हाइट कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर. नहीं बेटा, small t 5 है, capital T 5, according to law of dominance. क्या होगा ये? 15. It is 15, क्योंकि यही तो express कर रही है ना यहाँ पे,
ये तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रही, ये तो मिनिमम हाइट इतनी तो होगी होगी, तो ये एक्सप्रेस कर रही है, सो इट इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बैठो बेटा, इट इज ए, क्वेश्चन नंबर 18th ए। क्वेश्चन नंबर 19th, राजवीर सिंह सैनी, 26th रोल नंबर, 10th बी। जल्दी से भाग कर, ऑप्शन सी। ठीक है, प्योर टॉल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम हाइब्रिड टॉल प्लांट। इसका क्या मतलब है कि प्योर टॉल ये है, हाइब्रिड टॉल ये है, कैसे पहचाने की, क्योंकि दोनों ही टॉल नजर आ रहे हैं, तो इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कर दें और इसकी भी सेल्फ पॉलिनेशन कर दें, इसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सब ये आएंगे, बट इसके 3:1 रेशियो आएगी, या 3 टॉल आएंगे और 1 ड्वार्फ आएगा। तो अगर ऑफस्प्रिंग्स में सभी टॉल नजर आते हैं तो हमें पता चलेगा कि पेरेंट प्योर टॉल था, अगर कुछ ड्वार्फ भी नजर आते हैं तो इसका मतलब है कि पेरेंट हेट्रोजाइगस था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। हां जी बेटा, जसप्रीत कौर, 10th ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th ए में जसप्रीत, आओ नेक्स्ट 10th ए की ही है, दैट इज समृति, इसलिए तैयार रखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th आंसर, 20A ऑप्शन ए, 20A इनहेरिटेड ट्रेड। ठीक है, बाकी सब जो है एक्वायर्ड है, हम अपनी लाइफ टाइम में, हमें पेरेंट्स से नहीं मिली हुई, एक्वायर्ड है, ये जो है ये इनहेरिटेड है। वेरी गुड, 21 समृति। नेक्स्ट आ जाते शरणप्रीत, नेक्स्ट 10th बी में से शरणप्रीत ने आंसर देना है। हां जी, 21 बेटा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, राउंड एंड येलो F2 हाइब्रिड, बिल्कुल ठीक है, बैठो। हां जी शरणदीप, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है सहजोग ने 10th ए में से। हां जी शरणप्रीत, हां जी बेटा, राउंड एंड येलो इट इज। देखो बेटा यहां है, आप देखो यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, F2 जनरेशन में 240 प्रोजनी है, 240 मिले, और इसमें जो है आउट ऑफ विच 15 प्रोजनी है स्पेसिफिक करेक्टर्स। बेटा अब रेशियो क्या आती है, यहाँ पे दो करेक्टर्स है, रेशियो है 9:3:3:1। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये टोटल कितने हैं, 9, 10 और 16। अगर 15 बहुत कम है, हम इसको ट्राई करके देखते हैं, 1/16 और 16 में से एक, तो 240 में से कितने करके देखना जरा, ये कितने आएंगे। इफ यू विल सी इट विल कम आउट टू बी 15। इसका मतलब कि ये जो होगा इस वाले फिनोटाइप के ऑफस्प्रिंग्स 15 बनेंगे, मतलब अगर 16 में से एक बनते हैं तो 240 में से 15 बनते हैं, और ये क्या है। हां जी बेटा, वन कौन सा होता है बेटा, हमारे पास कौन कौन से यहां पे होते हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये वाला होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये 15 कौन से होंगे बेटा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, इट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये वाला होगा।
इज इट ओके? समझ में आई कि नहीं? ठीक है, सो आंसर इज 22 डेल्टा. नेक्स्ट 23. हाँ जी, अब बाकी सारे बहुत इजी है. किसको बुलाया था मैंने? सहजोग, जल्दी से फटाफट से भागकर. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ. बेटा लेट अस से मेल गैमीट फीमेल गैमीट, तो यही बनेगा मेल गैमीट. सॉरी मेल ये है, मेल गैमीट है एक्स और वाई. फीमेल में तो एक ही टाइप का बनेगा. लेट अस से फर्टिलाइजेशन हो गई एक्स एंड वाई की, फर्टिलाइजेशन इसकी होगी बाई चांस है, तो क्या ये क्या बनाएगा बेटा? मेल बनाएगा कि फीमेल बना? इधर देख बेटा, इधर देख, उधर मत, पीछे मत देख, हाँ माइक की तरफ. ये मेल बनाएगा कि फीमेल? मेल बनाएगा बेटा. तो अब मुझे बताओ कि किस टाइम डिसाइड हो जाता है कि ये मेल बनेगा कि फीमेल? एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. बेटा सेक्स ऑर्गन्स तो तभी बनेंगे जब एक्स और वाई पता होगा, ठीक है? हमारे देखने से नहीं, तब डिसाइड हो जाता है कि जो बच्चा बन रहा है वो मेल है कि फीमेल है. फर्टिलाइजेशन के टाइम ही डिसाइड हो जाता है. इज इट ओके? ठीक है, चलिए बैठिए. हाँ जी 25. यस, कौन बता रहा है बेटा? ईशा, वहीं से ही बोलना बेटा. कहां से? यहीं से ही बोलो, जोर से बोलना. हाँ इट इज, जोर से. डी ऑप्शन अगर आपने यही बोला, ए चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर फॉर्म्स ए गर्ल. ठीक है, इट इज डेल्टा. ठीक है, चलिए आपका टाइम हो गया. मैं आंसर्स बता देती हूँ, इजी है. आप मेरे से नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हो अगर डाउट है, नहीं तो मैम से डिस्कस कर लेना. 26A, 27 बीटा, 28 बीटा, 29C, 30 बीटा, 31 डेल्टा. बबीता मैम ये 6 क्वेश्चन असर्शन रीजन के और केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं. आप एक बार देख लेना असाइनमेंट से, अगर कोई डाउट हुआ तो बच्चे मुझसे पूछ लेंगे. राइट मैम? ठीक है जी. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टीचर्स, बाय बेटा.